जब बजरंग बली के चमत्कार से एक लंगड़ा व्यक्ति भी दौड़ने लगा। क्या थी इस कहानी में ऐसी खास चमत्कारी घटना जो स्वयं हनुमान जी को प्रकट होना पड़ा, आइए आज के इस वीडियो में यही जानते हैं। आप देख रहे हैं हनुमान दर्शन। भोपाल के पास के ही एक गांव में एक दंपति रहा करते थे। वो दंपति बहुत गरीब थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था अमित। अमित जन्मजात से ही विकलांग होने के कारण चलने में असमर्थ था। अमित के पिता एक दुकान पर काम किया करते थे। माता घर पर ही रहकर घर का सारा काम करती थी और अमित का ध्यान रखती थी। अमित के माता पिता अमित को अक्सर हनुमान जी से जुड़े किस्से और कहानियां सुनाते रहते थे। अमित को हनुमान जी की कहानियां काफी रोचक लगने लगी थी। अमित माँ से पूछता, माँ क्या सच में हनुमान जी के पास इतनी शक्तियां हैं कि उन्होंने पूरा पर्वत उठा लिया था, पूरी लंका को जला दिया था? माँ हनुमान जी क्या कुछ भी कर सकते हैं? तो अमित की माँ ने अमित की ओर मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, हनुमान जी बहुत शक्तिशाली हैं और दयालु भी। उनसे अगर सच्चे मन से कुछ भी प्रार्थना की जाए तो वह मनोकामना को सच और पूर्ण अवश्य करते हैं। अमित के माता पिता एक सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। अमित जब एक दिन विश्वविद्यालय गया तो उसके साथ के बच्चों ने उसके विकलांग होने का मजाक बनाया। उसे ये बात काफी बुरी लगी। वो घर लौट कर आया और उसने माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा कि तुम चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देंगे। अमित ने सोचा कि माँ कह रही है कि हनुमान जी भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करते हैं, उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, तो यदि मैं हनुमान जी से कहूँगा कि वो मेरे पैर ठीक कर दे तो वो अवश्य ही ठीक कर देंगे। वो कुछ बिना बताए घर से मंदिर की ओर चला गया। हनुमान जी के सामने बैठकर कहने लगा, भगवान जब तक आप मेरे दोनों पैर ठीक नहीं कर देते मैं तब तक ना कुछ खाऊंगा ना मैं यहाँ से कहीं जाऊंगा। ये कहकर वह हनुमान जी के समक्ष ही बैठ गया। सुबह से रात हो गई। अमित के घर पर ना होने के कारण अमित के माता पिता गांव के चारों ओर उसे ढूंढने लगे, परंतु अमित मंदिर में बैठा रहा। ना वो घर गया ना उसने कुछ खाया। अमित बैठे बैठे थक कर मंदिर में ही सो गया। तभी वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति आया जिन्होंने अपने शरीर पर एक श्वेत वस्त्र लपेट रखा था। उस व्यक्ति ने अमित के दोनों पांव पर अपना हाथ फेरा और वहां से चला गया। कुछ देर बाद जब अमित नींद से जागा तो उसने देखा कि उसकी वैशाखियां उसके पास नहीं है। वो महसूस कर रहा था कि उसके पैरों में बहुत ज्यादा शक्ति आ रही है। फिर क्या, अमित ने अपने पांव की तरफ देखा और खड़े होने का प्रयास किया तो अमित खड़ा होने में खुद को समर्थ पा रहा था। उसने कुछ दूर चलने का प्रयास किया तो वो चल पा रहा था। ये देखकर वो खुश हो गया। हनुमान जी के आगे झुककर वो धन्यवाद बोला और घर की ओर दौड़ पड़ा। उसने देखा कि माता पिता उसको रास्ते में ढूंढ रहे हैं। अपनी माँ के पास वो भाग कर गया और गले से लिपट गया। अमित की माँ ने पूछा, बेटा तुम कहाँ थे और ये तुम दौड़ कैसे पा रहे हो? तब आयुष ने बताया कि माँ मैं मंदिर गया था, आप कहती थी ना हनुमान जी कुछ भी कर सकते हैं। मैंने हनुमान जी से मांगा कि भगवान मेरे दोनों पैर ठीक कर दो जिससे मैं चल पाऊँ। तब मैं सुबह से ही मंदिर में बैठा हुआ था। कुछ देर पहले जब मेरी आंखें खुली तो मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे पैर पर हाथ फेरा था। उसके बाद जब मैं उठा तो मैं अपने आप ही चलने लगा। मेरी बैसाखी गायब थी और मेरे पैरों में एक अजीब सी ताकत लग रही थी जिसके कारण मैं खड़ा हो गया और मैं अब चल पा रहा हूँ। ये सब हनुमान जी ने किया है माँ। उसके माता पिता इस चमत्कार से आश्चर्य में थे। उन्हें भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इस प्रकार हनुमान जी ने बाल हट से प्रभावित होकर अपने भक्त की विकलांगता को दूर किया। दोस्तों अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हनुमान दर्शन।